एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम एग्जामिनेशन पैटर्न और प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे इंग्लिश फ्लुएंसी 2 सब्जेक्ट का। ये जो सब्जेक्ट है जनरली सेकंड ईयर में पढ़ाया जाता है, थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में दिल्ली यूनिवर्सिटी में रेगुलर SOL या NCVP के स्टूडेंट को। तो अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो इसका पैटर्न और प्रीवियस ईयर पेपर क्या है, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आज की इस वीडियो में उसी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। एक बार ब्रीफ आप इसका सिलेबस देख लीजिए। यूनिट 1 है इन द स्टेट, जिसमें आपका रिसर्च है, फाइलिंग एन ITR, मेकिंग एन RTI रिक्वेस्ट, सबमिटिंग अ कंज्यूमर कंप्लेंट और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और इसके बाद यहाँ पर है ड्राफ्ट अ फॉर्मल लेटर रिक्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द डिसबर्सल ऑफ फंड्स कलेक्टेड बाय रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन, फाइंड आउट व्हाट द प्रोसीजर इज फॉर मेकिंग अ कंप्लेंट अबाउट ट्रीज बीइंग कट इन योर नेबरहुड। ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज बताई जा रही हैं और ये अनसीन क्वेश्चंस इसमें आते हैं, तो बी वेरी केयरफुल। ऐसा नहीं है कि जो आपको रीडिंग्स दी गई हैं वही रीडिंग्स उठकर आ देंगी। फिर आपका है बुक या फिल्म रिव्यू और पंचुएशन यूनिट 2 के अंदर, ठीक है। और फिर आपका यूनिट 3 के अंदर आपका है यहाँ पर सेल्फ रिप्रेजेंटेशन है, इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ, गिविंग एंड सीकिंग इंफॉर्मेशन, इंट्रोड्यूसिंग कैरेक्टर्स फ्रॉम द टेक्स्ट यू आर रीडिंग, क्रिएटिंग अ प्रोफाइल फॉर सोशल मीडिया, क्रिएटिंग अ प्रोफेशनल प्रोफाइल फॉर वन सेल्फ, डायलॉग राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्लानिंग, आउटलाइन, रफ ड्राफ्ट एडिटिंग और इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। तो ये कुछ ब्रीफ सा सिलेबस है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। सिलेबस मैंने आपके रेफरेंस के लिए दिखाया था कि आप सिलेबस एक बार चेक कर लीजिए। अब क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने से पहले इसका पैटर्न समझ लीजिए दोस्तों। सॉरी थोड़ा सा पेपर अजीब गरीब स्टाइल में बच्चे ने भेजा है। 90 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, 3 घंटे का ड्यूरेशन का आपका एग्ज़ाम है। और इसके अलावा यहाँ पे आपके क्वेश्चन पेपर में 2 सेक्शन होंगे, हर एक सेक्शन से 3-3 क्वेश्चन करने हैं आपको। सेक्शन ए के अंदर जो 3 क्वेश्चन हैं वो हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, तो सेक्शन ए 30 मार्क्स का हो गया। और सेक्शन बी के अंदर जो क्वेश्चन है वो हर एक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का है, तो सेक्शन बी 20 मार्क्स का हो गया। इस तरीके से 30+60 आपके 90 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। और अब हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, यू आर एन एनवायरमेंटलिस्ट, राइट एन एप्लीकेशन टू द दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सीकिंग इंफॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट अबाउट फंड्स स्पेंड एंड मेजर्स अडॉप्टेड फॉर द कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन इन द सिटी। तो पहले ही यूनिट में जो RTI रिक्वेस्ट की बात करी गई थी उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ गया है कि MCT को आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें आपको ये पूछना है कि कितना फंड स्पेंड करा गया और क्या मेजर्स लिए गए दिल्ली के अंदर एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए। RTI एक्ट के तहत आपको ये एप्लीकेशन लिखनी है, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन है, यू आर प्लानिंग अ ट्रिप टू यूरोप बट यू डिस्कवर दैट यू हैव लॉस्ट योर पासपोर्ट, रजिस्टर एन FIR फॉर द लॉस ऑफ पासपोर्ट एट द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। भाई पासपोर्ट आपने खो दिया, आप ट्रिप के लिए जाना चाह रहे थे, अब आप FIR दर्ज करवाइए अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में। तो किस तरह का उसका फॉर्मेट होता है FIR का, तो आपको देखना पड़ेगा। इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चन इसमें आएंगे, ठीक है। यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ योर सेक्टर, योर फेलो रेजिडेंस ऑफन कंप्लेन अबाउट द लैक ऑफ क्लीनलीनेस, प्रॉपर लाइटिंग एंड जनरल मिसमैनेजमेंट ऑफ द पार्क इन योर लोकेलिटी, राइट अ लेटर ऑफ कंप्लेन टू द लोकल गवर्निंग बॉडी वॉइसिंग दीज कंसर्न एंड सीकिंग अ क्विक रिजोल्यूशन फॉर द सेम। यहाँ आपको अब कंप्लेन लेटर लिखना है जी। आप सेक्रेटरी हो अपनी सोसाइटी वगैरह के, तो आपके पास जनरल पीपल से कंप्लेन आ रही है कि आपके एरिया के अंदर सफाई वगैरह नहीं हो रही है, लाइटिंग वगैरह प्रॉपर नहीं है और जो पार्क वगैरह है आपके एरिया के वहाँ पर भी गड़बड़ी चल रही है। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग एज अ जनरल सेक्रेटरी आपको कंप्लेन दर्ज करवानी है, उसका कंप्लेन लेटर लिखना है लोकल गवर्निंग बॉडी को और ये सब इश्यूज उनके सामने रखने हैं। ऑलराइट, अच्छा जी। फिफ्थ क्वेश्चन है, इमेजिन यू आर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेजिडेंट इन योर स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन ऑफ योर कॉलेज, क्रिएट अ CV दैट establishes योर सुटेबिलिटी फॉर द रोल। CV आपको क्रिएट करना है और वो इस तरह से क्रिएट करना है कि जो आपके कॉलेज की जो पोस्ट है प्रेजिडेंट की, स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन की,
उसको मैच कर सके, इस तरह से आपको एक सीवी क्रिएट करना है। तो ये 5 क्वेश्चंस हो गए पार्ट ए में। अब इन 5 क्वेश्चंस में से आपको कोई 3 क्वेश्चन करने हैं, आरटीआई हो गया, एफआईआर हो गया, या कंप्लेन लेटर लिखना है आपको, या फिर आपका जो सीवी वगैरह है उस चीज़ से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 हम मिस कर रहे हैं आई थिंक, यहाँ पे मैं अभी इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। चलिए खैर क्वेश्चन नंबर 1 सीरियसली इस पेपर में मिसिंग है जो बच्चे ने भेजा है। चलिए कोई नहीं, अब हम यहाँ पे पार्ट बी में इसके आ जाएंगे, ठीक है। पार्ट बी का पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर है, राइट एन एसे एक्सप्लेनिंग व्हाट ग्लोबल वार्मिंग इज एंड हाउ इट अफेक्ट्स अवर डेली लाइफ, ठीक है। और यहाँ पे मे बी डिस्कस व्हाट आर द स्टेप विच नीड टू बी टेकन टू क्लोज दिस ग्लोबल वार्मिंग। तो ये एसे राइटिंग बेसिकली इसमें होगा ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सेलेक्ट अ बुक ऑफ योर चॉइस एंड राइट अ रिव्यू दैट कवर्स द प्लॉट कैरेक्टर स्टाइल एंड योर ओवरऑल इम्प्रेशन ऑफ द बुक, डिस्कस व्हाट यू फाउंड मोस्ट कंपाइलिंग एंड एक्सपेक्ट योर थिंग कुड हैव बीन इम्प्रूव, योर रिव्यू शुड बी अराउंड 400 to 600 वर्ड्स। तो वही आपका बुक रिव्यू जो मैंने आपको बताया था यूनिट के अंदर, तो ये पर्टिकुलर बुक के ऊपर आपको रिव्यू लिखना है अपनी चॉइस के ऊपर, सारा जो कॉन्टेक्स्ट इसमें बताया गया है उन सब चीज़ों को कवर करना है। और ये भी आप बता सकते हो कि कौन सा ऐसा एरिया है जो इम्प्रूव करा जा सकता है अकॉर्डिंग टू यू उस पर्टिकुलर बुक का। तो इसमें 400 से 600 वर्ड में आपको रिव्यू लिखना है। इसके बाद अगेन डायलॉग राइटिंग आ गई, कंपोज अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड डिस्कसिंग देयर प्रोस्पेक्टिव करियर चॉइसिस, क्रिएट अ 10 राउंड कन्वर्सेशन इन विच दे एक्सप्रेस देयर आइडियाज, शेयर इन्फॉर्मेशन एंड डिस्कस पॉसिबल एवेन्यूज ओपन टू देम। दो फ्रेंड्स के बीच डायलॉग राइटिंग आपको लिखनी है अपने करियर के बारे में, करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, 10 राउंड कन्वर्सेशन जो है वो आपको लिखना है। इसके बाद राइट अ रिपोर्ट कवरिंग द हाईलाइट्स ऑफ द रिसेंट दिवाली मेला ऑर्गेनाइज इन योर रेजिडेंशियल सोसाइटी, इंक्लूड डिटेल्स अबाउट वेरियस एक्टिविटीज, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एंड द ओवरऑल एटमोसफियर ऑफ द इवेंट, कंक्लूड द रिपोर्ट बाय समराइजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज इन प्रोमोटिंग हारमोनी इन द कम्युनिटी। बेसिकली आपको आपके एरिया में रिसेंटली दिवाली मेला ऑर्गेनाइज करा गया है उसके ऊपर रिपोर्ट आपको तैयार करनी है, और उस रिपोर्ट के अंदर आपको कुछ पॉइंट्स हैं वो ज़रूर मैंशन करना है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ और पार्टिसिपेशन जो हुआ लोगों का, वो कौन कौन सी तरह का हुआ, इवेंट का एटमोसफेयर किस तरह का था, और रिपोर्ट के कंक्लूजन में आपको ये बताना है कि इस तरह के जो कल्चरल एक्टिविटीज़ या कल्चरल इवेंट होते हैं वो शांति बनाए रखने में किस तरह से मदद करते हैं, शांति को किस तरह से प्रमोट करते हैं, हारमोनी को, ये आपको बताना है। और फिर प्रोवाइड द सूटेबल पंचुएशन इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कुछ सेंटेंसेस गिवन है, डू यू थिंक इट्स ओके टू वॉच टीवी कंस्टेंटली, आस्क अंकल, वी बोट टिकट एंटर द अम्यूजमेंट पार्क एंड एंजॉयड द राइड। बेसिकली आपको इन सेंटेंस के पंचुएशन, सूटेबल पंचुएशन जो हैं वो आपको बनानी है क्वेश्चन नंबर 10 में। ये आपको सामने सेंटेंस दिख रहा है 4, और 5-6 और सेंटेंस अगले पेज पे गिवन है, उसी के हिसाब से आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट हो गया ये। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट क्या है जी, बी पार्ट में है चेंज द वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव एज रिक्वायर्ड। सेंटेंस के अकॉर्डिंग वॉइस को चेंज करना है एक्टिव टू पैसिव में या पैसिव टू एक्टिव में। सेंटेंस के अकॉर्डिंग, आई हैव जस्ट रिसीव्ड द लेटर, द फार्मर वॉज बिटन बाय द डॉग, ठीक है। यहाँ पे देखिए अलग अलग सेंटेंस हो गए, तो इसको आपको कन्वर्ट करना है। एवरी वन विल ब्लेम अस, हु टॉट यू फ्रेंच, दे फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर। बेसिकली लास्ट वाले क्वेश्चन में ग्रामेटिकल क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं। तो ये पार्ट बी के 5 क्वेश्चंस हुए हैं जिसमें से आपको कोई 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे दोस्तों, एफआईआर हो गया या आरटीआई हो गया, ठीक है, कंप्लेनिंग वगैरह लेटर हो गया, ये किस तरह से लिखे जाते हैं, डायलॉग राइटिंग का क्या फॉर्मेट होता है, ठीक है, पर्टिकुलर पैसेज आपसे लिखने को बोला जा सकता है, और कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चन, पंचुएशन वगैरह, एक्टिव पैसिव वॉइस जो कि आपके सिलेबस में है उस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। ज़्यादा कोई डिफिकल्ट मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए तभी आप इन चीज़ों को लिख पाओगे। तो ये इस तरह का पेपर रहने वाला है दोस्तों इंग्लिश फ्लुएंसी 2 का। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।